जैसे 28वें चतुर्युग के सातवें गुणवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, और जब श्री कृष्ण स्वयं आते हैं उसके अगले ही कलयुग में कौन आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। अब आप सोचोगे श्री चैतन्य महाप्रभु इतने स्पेशल कैसे है? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर अवतरित होते हैं, और किसी युग में नहीं आते। और किसी युग में अगर आएंगे चैतन्य महाप्रभु तो वो वैकुंठ की भक्ति देते हैं, लेकिन अगर कलयुग में आए हैं तो किसकी भक्ति दे रहे हो? वृद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए बहुत रेयर है, बहुत ही अकल्पनीय चीज है कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित होते हैं। अब वो कैसे अवतरित होते हैं तो आप कहेंगे कि भगवान का कैसे या क्यों आते हैं? तो बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं कि भारत में के सारे भगवान आते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। तो भगवान जब आते हैं तो उनका दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो एक तो क्या करते हैं? धर्म की स्थापना, और दूसरा राक्षस का वध, और तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, और भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं? अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भारत में क्यों आते हैं, है ना? तो भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि भारत में भगवान के प्रिय भक्त विराजमान है, और नहीं है किसी विश्व में भगवान के भक्त नहीं क्या आपको, नहीं भारत में भक्त है। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज, यहाँ पर आसुरी प्रकृति के लोग भी होते हैं, तो इसलिए भगवान इधर विराजमान होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किया गया, ऐसा ही क्यों होता है? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण का नाम असम उद्भव, कि भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। जी और डी, नो वन इज इक्वल टू हिम, नो वन इज ग्रेटर देन हिम, ये होता है। तो अगर वो चाहे भारत में जन्म लेना तो आगे रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं इस कलयुग में तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए और साथ में राक्षसों का दमन करने के लिए आते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भगवान का भी जन्म होता है क्या? तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का संकलन किया है तो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान के जन्म को समझना चाहिए। तो आप सबने देखा होगा सूर्य और चंद्रमा का पूरे को देखा, सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य जन्म लेता है समुद्र से या चंद्रमा जन्म लेता है समुद्र से? आपने देखा होगा सूर्य को उगते हुए, इसको कहते हैं प्रकट होना, इंग्लिश में कहते हैं अपीयरेंस। तो भगवान जब अपीयर करते हैं, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं, मान लीजिए अगर सूर्य डूब रहा है समुद्र में तो इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य खत्म हो गया, या सूर्य ने अगर समुद्र से दिखा हो तो इसका अर्थ ये नहीं सूर्य ने जन्म लिया। सूर्य पहले से ही विद्यमान था अंतरिक्ष में, आकाश में, ऐसे ही चंद्रमा पहले से ही विद्यमान था अंतरिक्ष में, आकाश में, लेकिन उनका उदय होता है। इसी प्रकार से भगवान साक्षात सत्य है, वो प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं, इसका अर्थ ये समझना चाहिए। बहुत बार ये प्रश्न होता है तो समझना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे समझ पाएंगे इस चीज को? तो जब हम गुरु के माध्यम से समझ पाएंगे, गाइड के माध्यम से समझ पाएंगे, शिक्षा गुरु के माध्यम से समझ पाएंगे, गाइड के माध्यम से जो इस भगवत संदेश को अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ओम अज्ञानति विरांधस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। इस तरह कि जब गुरु के द्वारा जो संदेश प्रदान किया जाता है तो जो चक्ष, जो हमारे चर्म चक्षु है, वो क्या बन जाते हैं? दिव्य चक्षु के द्वारा हम उनको समझ सकते हैं क्योंकि उनकी चक्षु प्रदान करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण हमने समझा कि भगवान जन्म कैसे समझे उसको, दूसरा मैथमेटिक्स गणित क्या है भगवान के जन्म की, है ना? तीसरा हम आते हैं कि वो भगवान कैसे अपीयर हुए और कहां पर हुए,
तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, जो श्री कृष्ण चैतन्य हो राधा कृष्ण का ही केवल स्वरूप है और स्वयं कृष्ण है। कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ पर प्रकट होते हैं, एक नवदीप टाउन है बेंगोल में, वहां पर एक मायापुर स्थान है, दिव्य स्थान है, वहां पर एक योगपीठ जगह है, उस योगपीठ के अंदर एक नीम का वृक्ष है, उसके उनके यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र उनके पिता का नाम और सची माता उनकी माता का नाम था, सची देवी उनकी माता का नाम था। तो इस प्रकार से वो जन्म लेते 1400 ईस्वी में, 530 वर्ष पूर्व। तो स्पष्ट हो जाओगे, बहुत सारे लोग समझते हैं कि कृष्ण को हम मानते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, लेकिन अगर हम शास्त्र की दृष्टि से और गुरु और साधु की दृष्टि से अगर देखना चाहेंगे तो हम समझ पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु सब क्या है, कृष्ण है भाई। तो इसके उदाहरण बहुत सारे आते शास्त्रों में और मुख्यतः हम लेते हैं श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम क्योंकि क्या बताया गया, अमन पुराण एते ही चांस कला पोषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोके मृगयन्ति दुमेहे। भगवान श्री कृष्ण जब भी कभी इंद्र के शत्रु होते हैं, कभी भी इस धरा में कभी भी स्वर्ग में होते हैं या भक्तों के शत्रु होते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। तो किस प्रकार से कि उन्होंने जैसे बता रहे थे आपको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण महाभारत में प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवतम में मुख्यतः प्राप्त होता है और उसमें श्री सुखदेव को स्वामी जी इसको बड़े ही इनडायरेक्ट वे में परोक्ष रूप अपरोक्ष रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो व्यक्ति कहते हैं कदे दोषे निधे राज अस्ति एको महागुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघा प्रम प्रजे। तो बोलते हैं ये कलयुग जो है वो क्या है, दोषों का सागर है। तो सागर आपने देखा होगा, सागर में अनंत लहरें होती है, अनंत पानी है, तो उसमें दोषों का क्या है, सागर है कलयुग। लेकिन इसमें महान गुण है, वो क्या गुण है, कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तन आदेव कृष्ण से, कि भगवान श्री हरि का कीर्तन मुक्त संघा परम प्रजे या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्या मुक्ति, पर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का जो आधार है वो श्री सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक में अवतरित करते हैं, श्लोक में बताते हैं। तो अब कैसे जाए फिर चैतन्य महाप्रभु कैसे समझे कि वो क्या करने आए हैं। तो हमने श्रीमद् भागवत में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवद गीता सुनाई, भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने क्या सुनाने का प्रयास किया कि आप करें, पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आत्मा का संदेश दिया कि आप आत्मा हो शरीर नहीं हो, ये आधार पहले दिया। फिर आत्मा से लिखे गए कि अब आपको क्या करना है, मुझे सरेंडर करना है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मुझे शरण कीजिए, मुझे शरणागत होइए। अब श्री कृष्ण ने ये दिया, अब प्रॉब्लम आई थी, परेशानी थी कि शरण तो ले ली, अब शरण कैसे ग्रहण कर दी है, और अगर कोई शरणागत हो गया भगवान श्री कृष्ण के तो उसको कैसे भक्ति करनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन किसने दिखाया, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया अपने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, अपने जीवन चरित्र के द्वारा। तो वो क्यों अवतरित हुए, तीन मुख्य कारण अंतरंग बताए गए थे और तीन मुख्य कारण बाहरी बताए गए थे। तीन मुख्य अंतरंग कारण क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 530 वर्ष भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इससे पहले राधा कृष्ण की उपासना, कृष्ण की उपासना की जाती थी, अधिकतर राधा कृष्ण की एक साथ नहीं की जाती। जैसे आपने सुना होगा राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, तो बताया गया शक्ति और शक्तिमान उनकी उपासना एक साथ की जाती है, ना कि केवल शक्तिमान की, शक्ति को अलग नहीं कर सकते शक्तिमान से, जिस प्रकार से सूर्य से आप सूर्य की रोशनी को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण की उपासना एक साथ की जाती है। तो उन्होंने ये करके अपने जीवन चरित्र से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो उन्होंने तीन मुख्य कारण जो उनके अवतरण के थे वो ये था, पहला आपसे बाद में पूछेंगे तो आप याद कर सकते हैं, पहला था कि श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की
सर्वश्रेष्ठ भक्त है उनकी जो स्थिति है वो कितनी महान है उसको समझने के लिए शिव चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। पहला अंतरंकार। दूसरा, वो ये देखना चाहते थे कि मैं इतना सुंदर हूँ, भगवान श्री कृष्ण को देखे वो इतने सुंदर है, वो ये समझना चाहते थे मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे कैसे पता चले। भगवान श्री कृष्ण को पता ही नहीं था कि मैं इतना सुंदर हूँ, क्यों? राधा रानी उससे अट्रैक्ट होती है, उससे आकर्षित होती है कि उस रूप माधुर्य को रसास्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। दूसरा, तीसरा कि श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण की अनन्य भक्त है वो यह समझना चाहती थी, यह देखना चाहती थी अनन्य भक्त है तो श्री कृष्ण सोचे कि मैं राधा रानी जो टेस्ट जो आस्वादन टेस्ट करती है, कृष्ण का जो प्रेम है, वो जो मेरा प्रेम है वो कैसा है, उसको ग्रेटिफाई करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। ये तीन मुख्य अंतरंग कारण शिव चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के, और ऐसे ही तीन बाहरी कारण भी बताए गए हैं। तीन बाहरी कारण कौन से हैं? पहला, तो आपने पहले स्टार्टिंग में आपने सभी को बताया था कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, भगवान का अवतरण होता है ना कि प्रकट होते हैं, जैसे हम लोग प्रकृति के द्वारा प्रकट हुए उनका अवतरण होते हैं। अवतरण मतलब जो ऊपर से डिसेंड करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो प्रकृति के द्वारा प्रकट हम लोग होते हैं, इसलिए प्रकट हो गए भगवान की अवतरण लीला होती है, राइट। तो भगवान, हमने आपको बताया था पहला मुख्य कारण क्यों भगवान अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो पहला बाहरी कारण भगवान शिव चैतन्य महाप्रभु का कि वो युग धर्म स्थापित करने के लिए। तो हर एक युग में चार युग से होते, पहला क्या है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन चारों युगों में कुछ ना कुछ युग धर्म बताए गए हैं। पहले में क्या है, पहले बताया गया कि अगर परम सत्य की प्राप्ति करनी है, अगर भगवान के धाम को जाना है, तो उसमें बताया गया कि आप ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते थे। दूसरा बताया गया कि त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान श्री हरि को प्राप्त किया जाता, संतुष्ट किया जाता है, इसलिए भगवान श्री हरि का नाम एक यज्ञ भी है। तीसरा बताया गया द्वापर युग, द्वापर युग में बड़े ही ऐश्वर्यमान भाव से भगवान के श्री विग्रह की सेवा की जाती थी, इस प्रकार से परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता था द्वापर युग में। लेकिन कलयुग में बताया गया क्योंकि इतने योग्य नहीं है यहाँ के जीवात्माएं कलयुग की, तो उनके लिए सबसे सरल माध्यम बताए गए हरे राम हरे राम एव केवलम, अलो नास्तेव 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 गतिर्यथा। तो हम जब बता रहे थे आपको कि जो पहला कारण क्या था कि युग धर्म की स्थापना करना, तो आपको जो फल सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग और अन्य युगों प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति करने के लिए, वही सेम फल प्राप्त हो सकता है आपको हरे नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करके, वही सेम फल सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का पहला बाहरी कारण क्या है, युग धर्म की स्थापना करना। दूसरा कि पहले भी ऐसा नहीं भगवान श्री कृष्ण आए अलग अलग रूपों में, आए वरा रूप में, नरसिंह रूप में, परशुराम के रूप में, भगवान रामचंद्र के रूप में, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं अलग अलग युगों में गौर नारायण के रूप में, हर एक कलयुग में गौर नारायण के रूप में हर एक कलयुग में, लेकिन वो कह रहे थे वैकुंठ की भक्ति दे रहे थे। तो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु सातवें मन्वंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में आते हैं तो क्या प्रदान करते हैं ब्रज भक्ति, जो कि है उन्नत उज्ज्वल रस, जो बड़े ही रेयर है, बड़ा ही मुश्किल है प्राप्त करना, वो चैतन्य महाप्रभु इस युग में प्रदान करने के लिए। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए आपको हमने पहले गणित बताया मैथमेटिक्स ऑफ लॉर्ड्स अपीयरेंस कि कितना रेयर है, इस गणित को समझना बहुत जरूरी है, कितने हम करीब हैं भगवान, अभी हम करीब हुए तो उनके कितने करीब हैं हम तो समझ सकते हैं। तो दूसरा मुख्य कारण क्या था, क्या बताया हमने आपको कि उज्जवल रस जो ब्रज भक्ति है वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं।
और तीसरा कारण, क्योंकि तीसरा कारण जो बंदे भगवान के अवतरण के, चाहे वो श्री कृष्ण हो द्वापर युग में, तो जब श्री कृष्ण को अवतरित होना था तो ऑफकोर्स शास्त्रों में तो बताया गया, बहुत अपने अलग अलग आपको प्रूफ मिल जाएंगे, लेकिन जब देवतागण प्रस्तुतिकरण, देवतागण प्रार्थना करते हैं भगवान से जाकर, तब भगवान का अवतरण और मुख्य बन जाता है और जल्दी हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरा मुख्य कारण हमारा, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब भगवान के भक्त क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अब कलयुग में अवतरित हुए, तो भगवान के अन्य भक्त हैं जिनका नाम है श्री अद्वैताचार्य, तो वो जब भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं तुलसी और जल से, एक श्लोक आता है गौतमी तंत्र का श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चूर्णकेन वा विक्रेण स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, कि भगवान श्री कृष्ण किससे संतुष्ट रहते हैं, कि दो चीजों से, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चूर्णकेन वा, कि तुलसी और जल, तुलसी दल और आपको जल प्रदान करना है, और भगवान श्री हरि क्या करते हैं, विक्रेण स्व आत्मानं, विक्रय शब्द समझते हैं हिंदी के, विक्रय शब्द होता है कि सेल करना, सेलिंग, तो विक्रय स्व आत्मा अपने आप को बेच देते हैं, किसको, भक्ति के भक्त वत्सल, जो मेरे भक्त मुझको पुकारते हैं उसको मैं बेच देता हूँ। तो इस प्रकार से तीसरा मुख्य कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्तरण होने का। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए और वो अब करते क्या है, दिलाकर और बहुत सारी लीलाएं करते हैं, भगवान श्री हरि जब आते हैं, है ना, कृष्ण आए तो कितने सारे लोगों के साथ आए, अपने बहुत सारे सभी लोगों के साथ आए, तो कभी राजा जब आता है अपने, कभी उसको भ्रमण करना होता है अपने राज्य में, तो क्या करता है, अपने सभी लोगों के साथ आता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं अपने सभी लोगों के साथ में, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सर्वो पापास्त्र पार्षद यज्ञ संस्कीर्तन प्राय यंति ही सुवेदसा, कि वो भगवान श्री हरि किसके साथ आते हैं, कृष्ण ही है, लेकिन क्या अकृष्ण, उन्होंने अपना जो कृष्ण का स्वरूप है उसको त्याग कर अकृष्ण, कृष्ण का स्वरूप नहीं लिया है, श्याम वर्ण नहीं लिया है, वर्ण चेंज करके क्या है, गोर वर्ण के हो गए, गोल्ड गोल्ड पिघले हुए सोने के समान है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो कलर है, जो कांति है वो कैसी है, पिघले सोने के समान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण ऐसे क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो श्रीमती राधा रानी का भाव और उनकी कांति को लेकर अवतरित होते हैं। तो ये तीन मुख्य बाहरी कारण और तीन मुख्य आंतरिक कारण हमने बताए। तो अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि पास्टर्स बहुत सारे करते हैं, कृष्ण भी करते हैं लीला, बहुत सारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने की अपने भक्तों के माध्यम से, तो हम लीला को यहाँ पे नहीं करेंगे कि समय हो चुका है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु जो जो अपने साथ लेकर जा सकते हैं, मेरे लिए क्या है, चैतन्य महाप्रभु का जीवन मैं कैसे अपने जीवन में अपना सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो ये मुख्य पंक्ति, जब बहुत सारी किताबें श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, जो भगवान श्री चैतन्य के बारे में हमें जीवन चरित्र से अवगत कराता है, उससे पहले उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की किताब लिखी, तो वो लिखी 1968 में, और उसको 55 साल हो चुके हैं, आज 55 साल आज हो चुके हैं उस किताब को लिखे हुए, हो सकता है समय थोड़ा कम है लिखे हुए, लेकिन जो संदेश है वो शाश्वत है, तो उन्होंने संदेश जो दिया उसमें उनकी शिक्षा प्रदान की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी कृपा को प्रकाशित किया, अपनी कृपा को बांटा, तो किसी का न पात्र देगा न अपात्र देगा, वो क्या है, किस स्थिति में है, कैसा है, क्या करता है, उसको कृपा बांटे, कृपा प्रदान की भगवान श्री कृष्ण ने, श्री हरि का प्रेम प्रदान किया। तो इस प्रकार से जब श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया कि प्रभुपाद कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए, लेकिन उन्होंने भारत में भ्रमण किया और भारत में प्रचार किया, तो वेस्ट वर्ल्ड में क्यों प्रचार नहीं किया, पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं गए, ये प्रश्न किए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ये टास्क था, जो ये कार्य था, वो हमारे लिए छोड़ दिया, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको भी हम, जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनको
बता सकते हैं, ये बहुत जरूरी है बताना। जिस प्रकार से गंगा जी कहाँ से निकलती है, गंगा का स्रोत क्या है, कौन बताएंगे? भगवान के चरण होके और इस पृथ्वी पर गंगोत्री गौमुख बताएंगे। अगर आप गौमुख जाएंगे तो गौमुख का बहुत छोटा सा स्पेस है, छोटा सा स्थान है, लेकिन गंगा जी से वहां से निकलती है और गंगा जी अवतरित का, गंगा मैया के अवतरण का कारण वो थे मुख्यतः जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं वो राजा भगीरथ। तो राजा भगीरथ के द्वारा वो गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरित हुए और एक छोटे से स्थान से गौमुख से निकलती है। और अगर देखें तो गंगा जी फिर जब हिमालय रीजन से, जब पर्वतों से निकल के आती है, छोटी धारा होती है लेकिन बढ़ते 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 कितनी मुख्य धाराओं में बढ़ जाती है और हर एक जगह अपनी जो उनकी कृपा है वध जीवात्माओं को प्रदान करने में जाती है। इस प्रकार से इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जो एक छोटे स्मॉल स्पेस था, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो श्री श्री राधा दामोदर मंदिर वहां पर क्या थे, वहां पर विद्यमान थे श्री राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद एक छोटे से स्थान से निकले और क्या किया, जिस प्रकार से गंगा जी निकल के छोटे से स्थान से निकल कर पूरे भारतवर्ष में सबको अपनी कृपा प्रदान कर रही है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जो भागवत संदेश है 1922 में अपने गुरु महाराज से उल्टा डांग एक जगह बहुत छोटा सा ले सकते, वहां पर अपने गुरु से उस वचन को सुनते हैं कि आप इस संदेश को पाश्चात्य देश में क्या कीजिए, प्रचार कीजिए और लेकर उसे पूरे विश्व भर में फैलाइए। तो गंगा जी ने कहा गया भारतवर्ष में ही अपनी कृपा बांटी, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा गया पूरे विश्व भर में बांटी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं महत्वपूर्ण संदेश को कि अभी भी लोग प्रदान कर, अभी भी लोग इसको इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख्य संदेश जो था वो था भारत भूमि ते मनुष्य जन्म नहीं आया, जन्म सार्थक करे गुरु परोपकार, कि हर एक जो भारतीय है जिसने इस भारत भूमि में जन्म लिया है उसको क्या करना चाहिए, अपना जन्म तो सार्थक करना चाहिए, साथ में एक परोपकार का कार्य करना है उसको कि इस संदेश को वो जन जन तक पहुंचाए। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के हम रेडी है, भगवान के हम हमको रेडी होना चाहिए, हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, उस कृतज्ञता को हमें बांटने का प्रयास करना चाहिए। कृतज्ञता को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो है जो हम अपने जो भी गुरुजन है, साधु है, शास्त्र है, उनको अपने जीवन में अनुगत करें, उनका पालन करें और सामान्य जन तक पहुँचाएं। तो इस प्रकार से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे पीछे बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यामने गौराधे नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ज्ञान समर्प्य हरे कृष्ण।